हाउ टू अवॉइड पेन लीकेज। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि पेन लीकेज आखिर होती क्यों है। दोस्तों इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन है राइज इन टेम्परेचर और दूसरा रीजन है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। राइज इन टेम्परेचर की वजह से होता क्या है, पेन की जो इंक है वो ईजिली फ्लो करने लगती है और वो ड्यू टू ग्रेविटी, या आप अगर पेन के साथ कोई बदतमीजी करते हो, इट मीन्स अगर पेन को आप घुमाते हो या कैप नहीं लगाते हो तो आपका पेन लीक कर जाता है। और सेकेंड रीजन जो मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट मैंने बताया, ये तो कंपनी की गलती है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इन दोनों रीजन से हम बच सकते हैं कैसे। पहले रीजन से बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको पेन को हमेशा कैप लगा के रखना है और प्रॉपर इसे एक बॉक्स में रखना है। समर के टाइम में आपको पेन को शर्ट में नहीं रखना है, क्योंकि होता क्या है, बॉडी के हीट की वजह से भी कभी कभी पेन की इंक जो है वो लीक कर जाती है। एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण आपको वहीं पर चेक कर लेना है कि पेन हमारी कैसी है और कैसे ये परफॉर्म कर रही है। थैंक यू।